हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेस्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेस्ट बुक की सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बातें करने वाले हैं कि वो कौन से एग्जाम है जो हमारे सीएसआईआर नेट एग्जाम की तरह मिलते जुलते हैं। मतलब कि सीएसआईआर नेट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ आप और किन किन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं जिनके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतर सीएसआईआर नेट, आपने जो भी सीएसआईआर नेट में पढ़ा है वो आपको उस एग्जाम को भी क्वालिफाई करने में यूज आएंगे। और उनका भी मोटिव वही होगा जो सीएसआईआर नेट एग्जाम भी क्लियर करने का मोटिव होता है। मोटिव क्या है हमारा? पीएचडी में एडमिशन या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें एलिजिबल होना। तो आज हम उन एग्जाम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? आप लोग सभी लोग सीएसआर नेट एग्जाम्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, हमने काफी सारे वीडियोस, काफी सारे लाइव सेशन इसके ऊपर किए हैं, तो यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट सीएसआर नेट एग्जाम। बट इसके अराउंड जो एग्जाम्स है ना उसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। इसमें की सबसे फेमस एग्जाम है जो कि बहुत सारे बच्चों को पता भी है, दैट इज योर गेट एग्जाम, ठीक है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है? बट गेट एग्जाम ये मैथ्स में भी होता है। हम पार्टिकुलरली सीएसआर नेट मैथमेटिक्स एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है? आई शुड मेंशन हियर सीएसआर नेट मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सीएसआर नेट एग्जाम का दो मोटिव है, आइदर पीएचडी में एडमिशन और हमारे पास क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी, ठीक है? तो ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं जो इस वाले आपके इसके अराउंड घूमते हैं, ठीक है? सीएसआर नेट से आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, भारत की यूनिवर्सिटी आईआईटीज में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। बट आप गेट एग्जाम देने से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। इसका जो मोटिव है वो क्या है, पीएचडी में एडमिशन आपका हो सकता है इन आईआईटीज और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी, इन आईआईटीज, आइजर्स, ठीक है? इन सब में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, गेट में अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है? गेट एग्जाम भी सीएसआर नेट एग्जाम के जैसा ही होता है, इसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही है, ठीक है? आइदर आईआईटी या अदर और भी जो इंस्टीट्यूट है, जैसे आपको पता होगा आईआईएससी भारत का एक बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, बैंगलोर में है। तो इन सब जगह पीएचडी में एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ भी आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक है? और यहाँ पे फेलोशिप आपको कॉलेज प्रोवाइड करती है। सीएसआईआर और जेआरएफ क्वालिफाई करने से आपको फेलोशिप गवर्नमेंट से मिलती है, बट यहाँ पे आप गेट एग्जाम से जब इनमें एडमिशन लोगे आईआईटीज में, आइजर में, तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट वो फेलोशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है? नाउ दूसरा जो एग्जाम होता है वो हमारा सेट एग्जाम होता है, स्टेट का, हर स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है? इसको कहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे एमएच सेट, अगर हम मान लें एज ए एग्जाम्पल एमएच सेट, तो ये हमारा महाराष्ट्र का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप कर्नाटका का मान लोगे तो केसेट है हमारे पास, ठीक है? अगर आप केरला का भी केसेट करके आता, ठीक है? छत्तीसगढ़ का जीसेट हमारा आता, गुजरात का गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आप जेएनके होता जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देयर आर हर स्टेट्स का, या हर स्टेट्स को नहीं कह सकते बट बहुत सारे स्टेट का अपना अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यहाँ से आपको क्या होता है कि यहाँ से आप उन वहां के कॉलेजेस में, जो भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस है, वहां आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर आपने छत्तीसगढ़ का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया तो छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटीज नहीं, छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में आप पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, या वहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट ज्वाइन करने के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है? बाकी इसके बाद जो भी एग्जाम है, इनमें से कोई भी वो एग्जाम नहीं है जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी को लिए डिफाइन होता है। एनबीएचएम का एग्जाम पीएचडी एडमिशन में यूज होता है, ठीक है? पीएचडी एडमिशन के लिए यूज होता है, एडमिशन एक्चुअली, ठीक है? पीएचडी एडमिशन के लिए एनबीएचएम का एग्जाम होता है। ये एनबीएचएम का एक रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स। उसके बाद इसका इंटरव्यू भी होता है। उसके बाद यहाँ पे भी इसके थ्रू भी आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। लाइक आप जब एनबीएचएम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको जितने फेलोशिप मिलते हैं, अदर फेलोशिप जो होता है उतना ही आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आपको एनबीएचएम के थ्रू फेलोशिप दी जाएगी। और आप एनबीएचएम के स्कोर पे अदर अदर, जैसे आईआईटीज आपका हो गया, आइजर्स हो गए, आईआईएससी हो गया, या और भी जो भी रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है, वहां एनबीएचएम के स्कोर को वैलिड माना जाता है। इवन बहुत ज्यादा जो बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जैसे एचआरआई हो गया, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, नाइजर हो गया, बहुत सारे आइजर हो गए, वो एनबीएचएम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है?
रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेशली, वहां अगर आप रिटेन भी क्वालिफाई करते रहते हो तो वहां आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो इंस्टीट्यूट में पीएचडी एडमिशन के लिए। अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो एडमिशन का, देन यू आर गेटिंग फेलोशिप। अगर आप सिर्फ रिटेन भी क्वालिफाई होते हो और यू हैव सम सफिशियंट स्कोर, तो आप वहां इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, वहां जब सेलेक्ट हो जाते हो कॉलेजेस में रिसर्च इंस्टीट्यूट में, देन दे विल प्रोवाइड यू द फेलोशिप। ओके ठीक है। बट यहाँ पे आपको एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू होता है, ठीक है, और किसी एग्जाम में यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। नाउ ये तीनों अब नेशनल लेवल के एग्जाम है, ठीक है, जिससे बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, गेट से और एनबीएचएम से और सीएसआईआर तो आपका है, स्टेट से हमारा स्टेट वाले में मिलता है। ओके ये तीन एग्जाम उनसे है जो भारत के किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, पीएचडी एडमिशन में अप्लाई करने के लिए आपके पास होते हैं, स्टेट से तो स्टेट में मिलेगा। नाउ ये तीन अपने अपने पर्सनल कॉलेजेस के एग्जाम है, ठीक है। जैसे टीआईएफआर का जो एग्जाम होता है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, या बेंगलुरु में है, या अलग अलग है। इनका मैथ्स का ही मैं मान के चलूं, अदर सब्जेक्ट का भी होता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, और भी अदर सब्जेक्ट्स का, कंप्यूटर साइंस वगैरह का होता है, बट मैथ्स का मान के चलूं। तो इसको क्वालिफाई करने पे यहाँ पे आपका क्या होता है, एक रिटन टेस्ट होता है और प्लस इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आप कहाँ कर सकते हो पीएचडी, पीएचडी कर सकते हो आप TIFR में, वो भी आपको फेलोशिप देंगे, ये कॉलेजेस ही आपको फेलोशिप देगी, TIFR में क्वालिफाई कर सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं TIFR का GS एग्जाम, TIFR का GS एग्जाम, ग्रेजुएट स्टडीज एग्जाम, ग्रेजुएट स्टडीज एग्जाम, ठीक है, TIFR का GS एग्जाम इसका नाम है। ओके तो ये TIFR में एडमिशन के लिए होता है। ISI का जो एग्जाम है आपका वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन में पीएचडी के लिए होता है, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए होता है। तो यहाँ से आप सिर्फ इस एग्जाम को क्वालिफाई करके उसके बाद जो इंटरव्यू लेगा वो कॉलेज आपका ISI, वहां से आप ISI में पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ पीएचडी में है और सिर्फ एक जगह, पीएचडी सिर्फ ISI में कर सकते हैं आप, उसके लिए एग्जाम है, क्योंकि ISI में पीएचडी करने के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो CSIR या अदर एग्जाम का स्कोर को नहीं, अदर एग्जाम के स्कोर के थ्रू आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। आप CSIR अगर JRF क्वालिफाई हैं तब भी ISI में आप एडमिशन उस तरह से नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको ISI का अपना टेस्ट देना पड़ेगा, TIFR का आपका अपना टेस्ट देना पड़ेगा। और CMI हमारा है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, तो इसका भी ये मैथ्स के लिए भी है, पीएचडी के लिए, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे भी अगर आपको पीएचडी करना है तो इनका आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा। तो इन सबको हम नहीं कह सकते कि ये CSIR के एग्जाम के जैसे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी पीएचडी के लिए आपको देना पड़ता है। बट अगर हम लोग पीएचडी कंसीडर करते हैं, पीएचडी में एडमिशन के लिए कौन कौन से एग्जाम हो रहे हैं, तो इन तीनों को भी लिया जाता है, क्योंकि ये जो तीन इंस्टीट्यूट है वो भारत के नामी ग्रामी या विश्व में अच्छे स्तर पर देखे जाते हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। तो पीएचडी एडमिशन के लिए अगर आपको CMI में पीएचडी लेना है, तो CMI में पीएचडी लेने के लिए आपको CMI का जो पेपर होता है वो देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। कभी 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 नहीं, ये NBHM के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका NBHM का रोल आ जाता है। इसीलिए अगर सिर्फ CSIR की तरफ में कुछ एग्जाम देना होगा, क्योंकि ये तीनों एग्जाम एक पार्टिकुलर कॉलेज के लिए हो गया, TIFR अपना TIFR के लिए हो गया, CMI के लिए हो गया, ISI के लिए होगा। तो अगर हम लोग पार्टिकुलरली कहें कि CSIR के लिए कौन कौन तरह का एग्जाम है, तो वो गेट एग्जाम है आपका, और एक NBHM एग्जाम है, और कह सकते हो सेट एग्जाम है मैथ्स में, ठीक है। ये तीनों वो एग्जाम है, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है। तीनों तीनों के तीनों क्या है, मतलब MCQ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ISI CMI का पेपर सब्जेक्टिव होता है, तो हम लोग कर सकते हैं CSIR के जैसा क्या है ये एग्जाम है, और इनका सिलेबस भी CSIR के जैसा ही है, CSIR के जैसा ही, ऑलमोस्ट जितने भी सेट एग्जाम है उनका सिलेबस CSIR के जैसा है, गेट का भी ऑलमोस्ट सिलेबस CSIR के जैसा है, NBHM का भी सिलेबस CSIR के जैसा है। क्वेश्चन के लेवल में डिफिकल्टी हो सकती है, बट द सिलेबस विल बी ऑलमोस्ट सेम। तो ये तीन एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पीएचडी एडमिशन के लिए तीनों काम करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ ये दो एग्जाम है जो आपका काम करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ ये दो एग्जाम है जो आपके काम करते हैं, आपका सेट एग्जाम से अपने स्टेट में हो सकते हो, और CSIR से तो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो CSIR के जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेट, और पीएचडी के लिए तीनों एग्जाम हुआ, और वो तीनों एग्जाम आपके अदर अदर कॉलेजेस के लिए हो गए। इनको हम एक बॉक्स में रखते हैं, TIFR अपना TIFR के लिए, ISI अपना ISI के लिए, और CMI अपना CMI के लिए, ओके ये एक बॉक्स में, क्योंकि ये अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एग्जाम है, ठीक है। तो CSIR के जैसा आप एक एग्जाम है, और आप जब CSIR का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको गेट एग्जाम ट्राई करना चाहिए, सेट एग्जाम तो देना ही देना चाहिए, NBHM भी आप दे सकते हैं, और साथ साथ इन तीन एग्जाम्स को भी आप दे सकते हैं अगर आप मैथ्स में और अच्छा करना चाहते हैं,
क्योंकि इनका लेवल सीएसआईआर से अप होता थोड़ा सा, और ये दोनों जो एग्जाम है वो तो सब्जेक्टिव भी होता, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, आईएसआई और सीएमआई का। अगर तो आप बेहतर करना चाहते हो रिसर्च, अच्छे एकदम बेहतर से बेहतर जाना चाहते हो, तो आप इन दो रिसर्च इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हैं, इन तीनों को, ठीक है बच्चों। और अगर आप सीएसआईआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सारे एग्जाम सीएसआईआर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो हमें सीएसआईआर का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। अभी हमारे पास कौन सा मंथ है, सो वी हैव अगस्त इज रनिंग, हमारे पास 4 महीने का वक्त बचा हुआ है सीएसआईआर दिसंबर के लिए, ठीक है। तो आपको फटाफट किसी न किसी कोर्स में एनरोल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि आपने जुलाई वाला एग्जाम दिया था और आप वो क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, तो भले ही आप एनरोल ना करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा, या फिर मैं लाइक एक लाइन पे हूँ, बॉर्डर लाइन पे हूँ, ठीक है, जहाँ क्या होगा पता नहीं, तो उस दर में उस सिचुएशन में भी आपको प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने का तक का वेट करोगे ना तो आप चीजें भूलने लगोगे, आपके पास समय कम बचा रहेगा। तो जिनको भी अगर दिसंबर का एग्जाम देना है वो रिजल्ट आने का बिल्कुल वेट ना करें कि चलो रिजल्ट आएगा फॉर्म निकलेगा तब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। फटाफट आप किसी भी एक कहीं भी इंस्टीट्यूट में इनरोल हो जाए, अगर आप हमारे साथ इनरोल होना चाहते हैं तो वी हैव CSIRnet Elite 2.0 बैच, ये 1.0 ये सेकंड बैच है हमारा, एक बैच ऑलरेडी पहले से रनिंग है, ये सेकंड बैच है हमारा, तो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां पे लिंक को फिलअप करके भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने और अदर पीएचडी इंस्टीट्यूशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, आईएसआई किया है पर अदर अदर जो पार्टिकुलरली इन एग्जाम्स के ऊपर, तो वहां पे भी आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली अप्लाई करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।